खुशामदीद कहते हैं आपको पाकिस्तान सुपर गेम्स में। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 विच इज पीएसएल 8 चल रहा है, बहुत एक्साइटिंग है। हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर अब्बासी। तैमूर हाथ खड़ा कर दे ताकि दुनिया को पता लग जाए कौन है तैमूर अब्बासी। हन्नान गिलानी एंड आदिल जावेद, थैंक यू सो मच गाइज। और हम कल के मैच में होने वाली मीम्स पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और कल का मैच था लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच एंड लाहौर कलंदर्स हैज कन्विंसिंगली बीटन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लाइक कन्विंसिंगली। आखिरी कितने रन चाहिए थे? 2023 में चाहिए कुछ इसी तरह का हिसाब था। और हन्नान ने कहा था लाहौर जीतेगा, ये दो तो नहीं बोलेंगे। मैं और आप क्वेटा के साथ थे और हम दोनों को ही शर्म आनी चाहिए। शर्म की इसमें क्या बात है, हार जीत होती रहती है। अब वो जादूगर आदमी है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आखिरी बॉल पे जब 65 चाहिए था ना, तो मैं देख रहा था कि तब तक भी क्वेटा वाले सोच रहे थे कि हम जीत जाएंगे। क्वेटा वाले जीत सकते थे अगर जो सरफराज ने स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी वो उसको बनाई रखता, वो आता ही ना। उसने हसनैन के अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर की पूरी टीम के लिए स्पेशल मैसेज, आई थे डूब मरो आई थे। अभी इस पानी के अंदर ना आप देखें पहले से ही सरफराज अहमद अंदर ही है। और मसला पानी थोड़ा है, चाचू को गुस्सा लगा होता, प्यास भी होती, चाचू मुझे कोई इसका रीजन बता सकता है कोई बंदा? सरफराज के लिए मेरा एक मैसेज है कि वो गिलगित निकल जाए और एसकॉम का नंबर ले और वहाँ पहाड़ियों में अलहदगी इख्तियार कर ले, क्रिकेट उसके बस की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि सरफराज ने कल कहा था कि जब तक हफीज खड़ा हुआ है मैं नहीं जाऊंगा खेलने, हफीज आउट होगा तो मैं जाऊंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन यू आस्क क्वेटा टू प्ले फास्ट इन द पावर प्ले, गप्टिल एंड रॉय बी लाइक नहीं ये हो नहीं सकता, हम तो हौली हौली खेलेंगे। अच्छा ये सरासर गलत बात है, कल उनके सामने फास्ट ही थी काफी बॉले, स्लो तो उन्होंने कोई कराई नहीं गप्टिल और रॉय को, तो फास्ट बॉले ही वो कल खेलते रहे। नहीं वो प्ले फास्ट मतलब रन रेट तेज करने की कोशिश की जाए। मुझे पता है लेकिन कैसे करें जब इतनी फास्ट बॉलें आ रही हैं, तो फास्ट कैसे खेलें। लेकिन देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ 140 अगर हारिस करे ना तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सांस तो लेने दे भाई। ये भी मेरा ख्याल है उन्हीं गोडों गिट्टों की बात हो रही है जो सांस लेने नहीं किया जा रहा था, जिनसे कल आवाजें आई थी उन्हीं गोडों गिट्टों की बात हो रही है। वैसे शुएब अख्तर ने कहा है कि 140 के ऊपर बॉल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी मतलब बड़ी आम चल रही है उसने। गोडों गिट्टों से हमें याद आया कि 140 के ऊपर बॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। हारिस रिसीव 5 sixes in 12 balls, ये है लेवल है। हारिस रिसीव 5 sixes in 12 balls, हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। छोटा डॉन कल ही बस क्या हुआ यार कल उसके साथ, इतना तो नहीं मार खाता ये, कल वाबरियाज वाली हो गई थी इसके साथ। नहीं आपने हारिस रऊफ का पहला मैच देखा क्यों? नहीं मैं मार खाता है ऐसा नहीं, मार नहीं खाता लेकिन इतनी नहीं खाता यार कि चक्का फिर डॉट चक्का डॉट चक्का चक्का, ये तो मतलब बहुत हो गया ना। सिर्फ फर्क हारिस रऊफ के अंदर कल सिर्फ फर्क ये था कि उसने कुट खा के अपने बाल नहीं नोचे, वैसे तो सेम था हारिस रऊफ। नहीं एक फर्क ये भी था कि उसने हफीज से कुट खाई है, अब इस बेस पे हफीज शायद 10 साल और क्रिकेट खेल जाए और रुल गए हम। हफीज अभी हारिस रऊफ का नहीं, हफीज को अपनी बैटिंग की तब चढ़ी थी, कोई भी सामने आता उसने मारना ही था वो तो हारिस सामने आता। नेक्स्ट पे चलते हैं। Having bowling lineup of Shaheen, Roof, Rashid, Vise and Raza is a crime against humanity. Best bowling lineup in history of franchise. And Haris Rauf today was like this, standing out in the crowd. ये हारून ने ना लाहौर कलंदर से पैसे पकड़े हुए हैं, इसने वीसे को भी और सिकंदर रजा को भी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप ऑफ ह्यूमैनिटी बना दिया, क्या कर रहे हैं यार।
सिकंदर रजा ने तुम्हें वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे वाले मैच में उसी ने तुम्हारे चार खिलाड़ी आउट किए थे, तो वो अच्छे ही बॉलर है, कैसे भूल सकते हो। यार हमारे खिलाड़ियों को तो कोई भी आउट कर सकता है, क्या हो गया? अब तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है दोस्त। अच्छा हारिस रऊफ, हारिस रऊफ गंगुली गंगुली ने भी पहली दफा 5 विकेटें हमारे खिलाफ ही ली थी, तो जो खिलाड़ी जिससे नहीं हो रही होती ना, तेंदुलकर भी आके हमें को मार रहा होता है, तो किसी ना किसी लेवल पे ना, मतलब वो हम बड़े बड़े ऑलराउंडर्स को हमने प्रोफेशनल बॉलर्स बनाया है। मुनीम हसन कह रहे हैं कि हेटर्स व्हाट नाउ, लाहौर कलंदर फैंस टू लाहौर कलंदर हेटर्स, मेरी आंखों में तो देख बड़ा लाहौर इज वेरी हैप्पी। हाँ, जितना मर्जी कर लो, कराची से हारने का दाग नहीं धो सकते लाहौर वालों। ये तो पाकिस्तान वाली की है ना, जिम्बाब्वे से हार के और फाइनल में पहुंच गए। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, ये आर्ट है विषय की विकेट और ये आर्टिस्ट है, मजा तो आया था वैसे। नहीं वैसे वैसे ये बात अगर ठीक है कि ये अगर सेम इसी तरह का आउट हारिस रऊफ ने किया होता ना, तो हारिस रऊफ इस तरह का बोल्ड करके विकेट शिकेट पुट देता, सारा कुछ कर देता, वीसे को उठा के, वीसे को उठा के घर छोड़ के आता। ये तो हसनैन है बेचारा, स्वीट सा बोल रहे, उसने आगे बाउंड्री पे पहुंच के गुस्से की तरह ये यूं कर रहा होता वो बॉल। अगर यही विकेट सामने ली होती तो वीसे को घर छोड़ के मार के जाता। तो हसनैन बेचारा स्वीट सा बॉलर है, इसने फिर अपोलोजाइज किया पहले वीसे से, फिर विकटों से अपोलोजाइज किया कि सॉरी मैंने आपको हर्ट कर दिया था। अरे आप तो बाहर ही निकल गए, वापस आए। नेक्स्ट, लाहौर बैटर लाहौरी गाय कह रहा है कि लाहौर बैटर्स अरेस्टेड डीएसपी नसीम शाह टुडे। यही मैं कह रहा था, नसीम को तो मार पड़ी है क्या? ठीक ठाक विकेट भी नहीं ले सके बेचारा। ख्याल में आप पाकिस्तान में किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, डीएसपी को आज सस्पेंड करवा दिए। और ये दो खिलाड़ी हैं ऐसे, एक तो डीएसपी बना है, दूसरा मिनिस्टर बना है। ये शादी शेमिंग से ज्यादा ना, मेरा ख्याल है ये पोजीशन शेमिंग शुरू हो जानी चाहिए, कि ये जब से इनको मकाम मिला है ना, तब से ये औकात से बाहर। ये हमारे यहाँ कॉमन है सियासतदानों के, दोनों में पोजीशन शेमिंग और शादी शेमिंग एक ही बात है। नेक्स्ट कोई नहीं है, थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। और आज के मैच की क्या प्रेडिक्शन है भाई? कराची वर्सेस और कराची, मेरे ख्याल में मुल्तान थक गया थोड़ा सा, मेरे ख्याल में और नहीं थका नहीं है, बोर हो गया, लेकिन जाहिर है कि थका तो नहीं है, जीत तो और भी सकता है। आगे के लिए भी कुछ रख लो, वो जो तैमूर ने प्रेडिक्शन की हुई है ना कि जब मेन मैचेस आएंगे तो मेरे ख्याल में उसी फॉर्मूले के ऊपर चलते हुए आज कराची जीत जाएगा। यार अगर कराची आज मुल्तान से जीत जाता है ना, तो मतलब वो क्या कहते हैं, तो टूर्नामेंट डिवाइड ओपन, ये कैसे हो गया? लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुल्तान आज जीतेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हाँ, आदिल भाई ने पैसे लगाए, प्लीज सब दुआ करें ऐसा होगा नहीं, प्लीज सब दुआ करें। आदिल भाई ने कितने को पैसे लगाए होने, उन्होंने 40-50 रुपया लगाया होने, वो हम दे देंगे इनको, टेंशन की बात नहीं। आदिल भाई बका एनजीआर हमला कर, आप होंगे इतने पैसे। तो हनान के पास, हनान जो है उसकी प्रेडिक्शन है कराची किंग्स है। एंड तैमूर, मैं फिर जानबूझ के, क्योंकि मौलवी के साथ मैं जानबूझ के टसल बनाता हूँ, मैं फिर इसकी कराची है तो मैं मुल्तान के साथ जाऊंगा। बड़ा बड़ा आपने रिस्क लिया, बड़ा आपने मुल्तान कह के रिस्क लिया। इस्लामाबाद जीतेगा, आदिल क्या सुना?
और उस टाइम पे ये मौसमी तोते हैं, इनकी कभी कोई टीम कभी कोई टीम। आपको पता है मेरी शुरू से ही मुल्तान का, मैं शुरू से चलो जी शाह शम्स जिंदाबाद, मुल्तान इट इज फॉर टुडे, लेट्स सी कौन जीतता है। टेक गुड केयर एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का, एंड दोस्त वो सब जो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।